Hello friends, welcome on my channel Current Affairs and General Knowledge for competitive exams like UPSC, Bank, Railway, UP TET, etc. as quiz program. तो आइए आप सभी का पुनः स्वागत है क्विज शो भारत को जानो और दुनिया को पहचानो में. आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 24 फरवरी, बी 25 फरवरी, सी 26 फरवरी या फिर डी 27 फरवरी. सही जवाब है ऑप्शन डी 27 फरवरी. तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर. हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त सेनाभ्यास इंद्रधनुष की शुरुआत कहाँ की गई है? ए लंदन, बी गाजियाबाद, सी ओसाका या फिर डी सिएटल. सही जवाब है ऑप्शन बी गाजियाबाद. चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर. हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक से सारे प्रतिबंध हटा लिए हैं? ऑप्शन ए केनरा बैंक, बी इलाहाबाद बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक या फिर डी बंधन बैंक. सही जवाब है ऑप्शन डी बंधन बैंक. चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ए पीवी सिंधु, बी ऋषभ पंत, सी रोहित शर्मा या फिर डी सुनील छेत्री. सही जवाब है ऑप्शन ए पीवी सिंधु. चलिए चलते हैं अपने अगले और पांचवें प्रश्न की ओर. दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर का नाम बताइए. ऑप्शन ए एस एन मिश्रा, बी एस एन श्रीवास्तव, सी एस एन सिंह या फिर डी एस एन शर्मा. सही जवाब है ऑप्शन बी एस एन श्रीवास्तव. और अब हमारा अगला प्रश्न है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? ऑप्शन ए एक्सरे प्रभाव, बी रमन प्रभाव, सी हिग्स बोसोन प्रभाव या फिर डी आर्यभट्ट प्रभाव. सही जवाब है ऑप्शन बी रमन प्रभाव. और अब अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का थीम क्या है? ऑप्शन ए पर्यावरण और विज्ञान, बी पशु और विज्ञान, सी महिलाएं और विज्ञान या फिर डी दुनिया और विज्ञान. और सही जवाब है ऑप्शन सी महिलाएं और विज्ञान. हमारा अगला प्रश्न है, 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों के निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन ए चंडीगढ़, बी अहमदाबाद, सी रांची या फिर डी नई दिल्ली. और सही जवाब है ऑप्शन ए चंडीगढ़. अगला प्रश्न है, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए सेना मुख्यालय का क्या नाम है? ऑप्शन ए सशस्त्र सेना भवन, बी थल सेना भवन, सी सैन्य कमान भवन या फिर डी विजय भवन. और सही जवाब है ऑप्शन बी थल सेना भवन. अगला प्रश्न है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन डाटा साइंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर, बी आईआईटी पलक्कड़, सी आईआईटी हैदराबाद या फिर डी आईआईटी गुवाहाटी. और सही जवाब है ऑप्शन बी आईआईटी पलक्कड़. हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जावेद अशरफ, बी तरनजीत सिंह संधु, सी मलिका जैन या फिर डी अरिंदम बागची. और सही जवाब है ऑप्शन ए जावेद अशरफ. और अब एक नया ट्विस्ट, हमारा आज का प्रश्न जो भारतीय इतिहास से है. अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं
तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं, अन्यथा मैं अगले वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर अवश्य बताऊंगी। तो आपका प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी स्वदेशी आंदोलन, सी सत्याग्रह आंदोलन, या फिर डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। मैं सुमन राय शिक्षिका होने के नाते आप सभी से कहना चाहती हूँ कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण उस देश के युवा वर्ग के हाथों में होता है। अतः आप अपने देश के अतीत वर्तमान को जानें ताकि आपका और देश का भविष्य सुंदर और सार्थक हो। मेरा चैनल अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें और इंतज़ार करें मेरे अगले वीडियो का जो आपके ज्ञानवर्धन हेतु जल्द ही आएगा। धन्यवाद।